नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो रूबरू हुए हैं बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी सरकार से पैसे मांग रहे हैं, पर जो है सरकार पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। क्या खबर आने वाली है आपके समक्ष, जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो बिजली बोर्ड ने मांगे 65 करोड़, सरकार देने को तैयार नहीं। हिमाचल प्रदेश के 7 प्रमुख शहरों में बिजली के ढांचागत विकास को लेकर केंद्रीय योजना के तहत किए गए टेंडर पर विवाद खड़ा हो गया है। इसके बाद बिजली बोर्ड ने सरकार से 65 करोड़ 21 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि मांगी है। जब तक सरकार से यह पैसा नहीं मिलता, तब तक इस काम में बिजली बोर्ड आगे नहीं बढ़ेगा। परंतु सूत्रों की माने तो वित्त विभाग पैसा देने को तैयार नहीं है। खुद वित्त विभाग ने इस पर आपत्तियां उठाई हैं। इतना ही नहीं, इस विवादित टेंडर के साथ 26 लाख स्मार्ट बिजली मीटर का मामला भी फिलहाल अटक गया है, जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बातचीत होने के बाद ही निर्णय होगा। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि 7 शहरों के लिए जो सिंगल बिड टेंडर हुआ है वो खटाई में पड़ गया है। अब नए सिरे से दोबारा टेंडर करना ही होगा। हालांकि बिजली बोर्ड ने अपनी ओर से सफाई दी है और वित्त विभाग द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब दिए हैं। इसमें बोर्ड ने बताया है कि आखिर क्यों सिंगल बिड टेंडर हुआ है और वहां भी 39% अधिक दरों पर। इसमें बताया गया है कि 175 करोड़ 63 लाख रुपए की दरें पहले से तय थी, लेकिन एक ही कंपनी ने बीडिंग की ओर से उसने 240 करोड़ 84 लाख रुपये रेट भरा। क्योंकि यह टेंडर 2 साल बाद हो रहा है, लिहाजा 2 साल में दरें बढ़ी हैं और नियामक आयोग के मापदंडों के अनुसार यह सही है। इस तरह की कुछ बातों को बोर्ड ने अपने जवाब में शामिल किया है, मगर सरकार इस पर दोबारा टेंडर करवाने के हक में है। हालांकि फैसला मुख्यमंत्री के आने पर होगा, लेकिन री टेंडरिंग प्रोसेस इसमें हो सकता है, क्योंकि विपक्ष ने भी इस पर विवाद खड़ा किया है। वहीं वित्त विभाग पहले ही अपनी आपत्ति जता चुका है। तो कुल मिलाकर ये रहा खबर का विश्लेषण कि बिजली के ढांचागत विकास को लेकर केंद्रीय योजना के तहत किए गए टेंडर पर विवाद खड़ा हो गया है। वहीं बिजली बोर्ड ने सरकार से 65 करोड़ 21 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि मांगी है। तो अभी के लिए ये रही बड़ी खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।